सरकार ने पहुंचा हिंदुस्तान पूरा दुनिया में जो सरकार ने गोबर खरीदा छत्तीसगढ़ सरकार है जिन्हें गोबर ला जुड़ के किलो खरीदा पहले क्या गुड़ गोबर होगी अब गोबर हो कीमती हो अब वो हालत बदले लगे ये जन गोबर है गोबर खरीदे से आगा फायदा हुई किसान हमारे लेकर भरपूर भोजन की व्यवस्था हो जाए कैरम आगे लगा हार्वेस्टर में वो आद रहे आगे लगा आद रहते हैं अब वो जलना बंद हो जाए हमारे खेत की उर्वरा शक्ति तक खत्म नहीं नमस्कार अभी आप वीडियो देख रहे थे छत्तीसगढ़ में 20 जुलाई को गौ धन योजना चालू हुई है जिसके बाद जितने भी गौ पालक हैं उनका गोबर सोसाइटियों द्वारा या महिला समूह द्वारा खरीदा जाएगा और 2 रुपये किलो में गोबर खरीदा जाएगा और उसका फ़ायदा ये होगा कि गोबर से डिकम्पोज खाद बनेगी और दूसरा किसानों के घर में पैसा पहुंचेगा और जो है इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि खेती की जो ज़मीन की उर्वरता है वो बढ़ेगी तो इससे इस योजना की शुरुआत हरेली के दिन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने की है। आज 3 खबर और है बताइए अभी हम बात कर रहे हैं अपने साथी पत्रकार मनोज से मनोज जी ये बताइए कि जो मूर्तिकार संघ वाले हैं वो कलेक्टर एसपी के पास गए थे क्या कारण था अभी देखिए आगामी 22 को अगस्त को गणेश की मूर्ति स्थापित होनी है और अभी तक के उन्होंने वो जानकारी नहीं थी तो कल मुख्यमंत्री जी ने हरेली के अवसर पर उन्हें फैसला लिया कि घर में विराजित होने वाले गणपति और लगभग 4 फीट तक के मूर्ति बनाना है ऐसे करके आदेश जारी होने के बाद मूर्तिकारों ने संघ ने आज कलेक्टर को कलेक्टर ऑफिस पहुंचकर उन्होंने गणेश की प्रतिमा भेंट की और उनसे आग्रह किया कि यानी अब आने वाले समय में जो आने वाला है 22 तारीख अगस्त को गणेश जी का त्योहार आने वाला है तो उसमें 4 फीट तक की मूर्ति को रखने की अनुमति मिली है अब उधर मूर्तिकार अब 4 फीट की मूर्तियां बना पाएंगे जो छोटी मूर्तियां बना रहे थे जो घर में विराजमान होंगे ऐसे करके बना रहे थे अब उनको 4 फीट की अनुमति मिल चुकी है तो अब लगातार अब वो 4 फीट की मूर्ति बनाएंगे और इसी क्रम में उन्होंने मूर्तिकारों ने ये भी आग्रह किया कि मार्केट में जैसे कि सोशल डिस्टेंस का पालन हो सके आने वाले दिनों में ऐसे करके उन्हें फ्लाईओवर के नीचे अगर उनको प्रशासन महापौर को भी लेटर लिखा है और उन कहा है कि अगर उन्हें अनुमति दी जाती है कि फ्लाईओवर के नीचे मूर्तिकार को जगह तो वो सुनिश्चित होगी क्योंकि सोशल डिस्टेंस के हिसाब से पार्किंग के लिए भी ठीक है और लोगों के आने आवागमन के लिए भी ठीक है व्यवस्था तो इसमें सोशल डिस्टेंस का पालन वहाँ हो पाएगा इसलिए उन्हें आगाह किया कि कलेक्टर महोदय से कि वहाँ रखा जाए ऐसे करके। मनोज जी मैं दूसरी खबर पे आ रहा हूँ जो 23 तारीख को लॉकडाउन राजनांदगांव के समस्त क्षेत्रों में चालू हो रहा है पूरे जिले में तो आज बाजार में क्या भीड़ दिखी? देखिए शासन प्रशासन द्वारा लाख वो किए जा रहे हैं उसके बावजूद भी लोगों को थोड़ी भी सजग नहीं होने के वजह से आप अभी भी मार्केट में आप जाए तो देखेंगे सोशल डिस्टेंस की तो पूरी धज्जियां उड़ी चुकी है वहीं तो लोग एक हफ्ते के लिए बंद हो रहा है उसके लिए सामान इकट्ठा करने के लिए बाजार पहुंचे हैं आपका कहना ये है? जी जी और लोग हफ्ता भर का सामान और वैसे रोज ही ऐसे भीड़ नजर आ रहे हैं जैसे कि लंबे समय से कोई दुकान बंद हो जाएगा। अच्छा तो ये लोगों को अभी भी कोरोना के प्रति जागरूकता नहीं आई है लोगों को कोरोना के प्रति जो भी संयम बरतना चाहिए या जो भी दूरी बरतना चाहिए जो भी उसके वो है नियमों को पालन करना चाहिए कोरोना से बचने के लिए जनता नहीं कर रही है? जी जी जबकि कलेक्टर महोदय द्वारा सब तो आदेश किया गया है कि 23 तारीख को 6 बजे से 10 बजे तक खोला जाएगा उसके बावजूद भी लोगों को ऐसा महसूस हो रहा है कि अब खुलेगा है कि नहीं खुलेगा ऐसे करके पूरे मार्केट में भीड़ नजर आ रहे हैं।
चलिए मनोज मनोज जी, बात करने के लिए धन्यवाद। आप दोनों खबर की हमें जानकारी दिए हैं, फिर आपसे बात करेंगे। तीन खबर में सबसे पहली हम आपको जो है उसमें और दिखाएंगे कि हरेली किस तरीके से ग्रामीण क्षेत्रों में मनाई गई, इससे बहुत सारी परंपराएं हैं, उस विषय में हम आप प्रकाश डालेंगे और कैसे कैसे हरेली का त्यौहार छत्तीसगढ़ में मनाया गया। दो वर्ष से छत्तीसगढ़ सरकार हरेली में छुट्टी भी दे रही है और हरेली के दिन गौधन योजना की भी शुरुआत मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने की है। हम हरेली की खबर बताते हैं। छत्तीसगढ़ में हरेली का त्यौहार बहुत धूमधाम से मनाया गया, खासकर दो वर्षों से छत्तीसगढ़ सरकार भूपेश सरकार हरेली का त्यौहार मनाने के लिए छुट्टी भी दे रही है। गेड़ी खेली गई गांव में, जो माना ये जाता है अभी तक रोपाई और ब्यासी ख़त्म हो जाती है, तो आज के दिन, हालांकि इस बार सावन पहले आ गया है, आज के दिन हल को धो धा के और औजारों को धो धा के रखा जाता है, क्योंकि उसके बाद औजारों का काम ख़त्म हो जाता है खेती में। और इसके साथ साथ दान भी दिया गया हरेली का, लोग जो थे नीम के पत्ते अपने घर के सामने लगाए, और इसमें ये रहा कि जो नीम के पत्ते लगाए उनको भी नाई और महाराज को दान दिया जाता है, ये परंपरा है। और इसके बाद जो है हम आपको पूरी रिपोर्ट दिखाते हैं, मनोज से हम बात करते हैं, हमारे पत्रकार साथी मनोज इस बारे में बताएंगे। बताइए मनोज जी, क्या है? अभी हम बात कर रहे हैं हमारे साथी पत्रकार मनोज देवांगन से। मनोज, और दो वर्ष से चूंकि हरेली की छुट्टी दी जा रही है, विशेष महत्व बढ़ गया, क्या हुआ जिले में? आपको बताना चाहूंगा, ये छत्तीसगढ़ का ये प्रथम त्योहार है, आज से हरेली के दिन से शुरू हो जाता है ये त्योहार। छत्तीसगढ़ की परंपरा या सभी त्योहार आज से शुरू हो जाता है। आज सबसे पहले तो मंदिर, शनि मंदिर, शनि जयंती भी है आज। हाँ सर, सोमवार है। हाँ हाँ, तो उसके उपलक्ष्य में शनि मंदिर में भी सोशल डिस्टेंस के साथ आज पूजा अर्चना की गई। उसके पश्चात ग्रामीण क्षेत्रों में तो सुबह हल जो खेती कार्य में उपयोग में लाए जाने वाले औजार, हलों औजारों की पूजा अर्चना की गई। उसके आज के दिन बोला जाता है कि लगभग ब्यासी का काम और रोपाई का काम खत्म हो जाता है, है ना? ये सावन का मध्य है, तो कहा यह जा रहा है कि इसी के कारण हाथ हल और उसको नांगर को धो धा के जो भी औजार होते हैं उनकी पूजा की जाती, क्या ये सही बात है? जी जी, ये सही बात है, और ये परंपरा पुराने जमानों से चली जा रही है, और ये परंपरा बरकरार ग्रामीण क्षेत्रों में आपको जरूर देखने मिलेगा। और चलिए, हम हरेली त्योहार राजनांदगांव में कैसा मनाया गया, अब हम राजनांदगांव के बाद हम बात करते हैं राहुल से। राहुल डोंगरगढ़ के क्षेत्र से हैं, हमारे रिपोर्टर हैं। राहुल जी, क्या रहा डोंगरगढ़ क्षेत्र में हरेली का माहौल, क्या रहा त्योहार, कैसा मनाया गया? यहाँ सर बहुत सारे लोग एक जगह पूरा परिवार होके बहुत अच्छा से त्योहार मनाए सर, हरेली का त्योहार बहुत अच्छा मनाए, और इसमें नांगर और जितने भी सामान हैं जैसे कुदारी ये सबको धोया गया, धोने के बाद उसका पूजा पाठ किया गया, पूजा पाठ करने के बाद उसमें एक नारियल फोड़ा गया, प्रसाद चढ़ाया गया और प्रसाद को सबको बांटा गया, खिला गया। और डोंगरगढ़ क्षेत्र के ग्रामीण इलाकों में कल से गौधन योजना चालू हुई है, जिसमें 2 रुपए किलो गोबर खरीदा जाएगा, तो हरेली के मौके पर इसका क्या असर था? सर ये तो बहुत अच्छा था सर। कल गांव वालों में खुशी की बात थी कि नहीं? गांव वालों में खुशी की बात थी सर, बहुत ज्यादा है, और इसका गौधन कल से शुरू हुआ और आज से लेना चालू कर दिया। चलिए, बात करने के लिए धन्यवाद, बहुत बहुत। ये थे हमारे साथी रिपोर्टर डोंगरगढ़ से राहुल।
हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, हमारे यूट्यूब लिंक में जाकर खबर देखते रहे। प्रेस लागत स्वतंत्र करने के लिए हमारे अमेज़न और ई बिजनेस रेफरेंस लिंक से अमेज़न प्रोडक्ट एक्स्ट्रा डिस्काउंट में खरीदें, जिससे हम बिना नेता अधिकारी की मदद से हम प्रेस लागत निकाल सके और आपको स्वतंत्र और सच्ची खबरें दिखा सके। जनता हमारी प्रेस के साथ अपने अधिकार RTI और कानून की लड़ाई लड़े। पब्लिक प्रेस पार्टनर न्यूज प्रिंट मीडिया और डिजिटल मीडिया के साथ आए। हमने मीडिया लागत को आपके उपभोग से जोड़ा है। जनता पब्लिक प्रेस पार्टनर न्यूज में खबरों और मीडिया ई बिजनेस में पार्टनर बने, हमारे साथ व्यापार करे। publicpresspartner.com लिंक में जाकर अपनी आसपास की समस्याओं को सीधे खबर बनाए। हमें कॉल करें। हम पब्लिक प्रेस पार्टनर कॉन्सेप्ट के बिना हम और आप भ्रष्टाचार के विरुद्ध लड़ाई नहीं लड़ सकते। पब्लिक प्रेस पार्टनर न्यूज में जनता भागीदार बने। सिर्फ कॉल करे 9300076662। हमारे व्हाट्सएप 9200003100 ब्रॉडकास्ट से जुड़े और अमेजॉन सेल में पार्टनर बने। हमारे सभी व्हाट्सएप ज्वाइन करें, व्यापार में पार्टनर बने। आप हमारे साथ पत्रकारिता भी कर सकते हैं। हमारा फेसबुक पेज पब्लिक प्रेस पार्टनर फॉलो करें। पब्लिक प्रेस पार्टनर न्यूज से देवाशीष।